स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? ए भारत अनाज, बी भारत एसेंशियल्स, सी भारत राइस, डी भारत भोजन। आंसर सी भारत राइस। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया। चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न: सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना, बी सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें, सी परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाएं, डी सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। आंसर ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। एक्सप्लेनेशन: 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। इस विधेयक के अंतर्गत परीक्षा में धांधली होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न: भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? ए सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाना, बी वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। आंसर डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हाल ही में संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में उग्रवाद, तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाना है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही FMR का व्यवस्था है, जो दोनों तरफ के लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न: अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी तबला, डी सितार। आंसर बी बांसुरी। एक्सप्लेनेशन: विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे पंडित राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी एल्बम आज वी स्पीक के लिए लॉस एंजलिस अमेरिका में 66वें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न: हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? ए आनंद कुमार, बी प्रशांत किशोर, सी मनोज वाजपेयी, डी पंकज त्रिपाठी। आंसर ए आनंद कुमार। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। ये पात्र लोगों को लंबे समय तक दुबई में रहने और काम करने की अनुमति देता है। चाहे आप निवेशक हों, व्यवसाय के मालिक हों, कुशल कर्मचारी हों, छात्र हों या सेवानिवृत्त हों, ये कार्यक्रम एक सुनहरे टिकट की तरह है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? ए QR कोड स्कैनिंग, बी चेहरे की पहचान, सी सैटेलाइट आधारित GPS, डी RFID प्रौद्योगिकी। आंसर सी सैटेलाइट आधारित GPS। एक्सप्लेनेशन: सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की है। नई टोल संग्रह प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खातों से टोल शुल्क काट लेगी। अगला प्रश्न: गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? ए मार्क फिलिप्स, बी बोरिस जॉनसन, सी ऋषि सुनक, डी जस्टिन ट्रूडो। आंसर ए मार्क फिलिप्स। एक्सप्लेनेशन: गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न: RBI ने लगातार 6th बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ए 6.75%, बी 6.5%, सी 6.25%, डी 6.0%। आंसर बी 6.5%। एक्सप्लेनेशन: RBI ने लगातार 6th बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया।
RBI MPC के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए थाईलैंड, बी मालदीव, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। आंसर बी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। UCC का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भी जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना, बी ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए, सी उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना, डी बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। आंसर डी बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। एक्सप्लेनेशन, रेपो शब्द रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट से बना है। रेपो दर उस ब्याज दर को दर्शाती है जिस पर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी और बॉन्ड को गिरवी रखकर RBI से पैसे उधार लेते हैं। वर्तमान में RBI ने इस दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। ये दर RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल कर RBI देश में कैश फ्लो और मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी अभिनय। आंसर ए कृषि। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न M.S. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए लंदन, बी दुबई, सी पेरिस, डी नई दिल्ली। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12-14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से PM मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी अमिताभ कांत, सी रामनाथ कोविंद, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर सी रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले RPI और आम आदमी पार्टी आप के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए सृजन पोर्टल, बी सारथी पोर्टल, सी रक्षक पोर्टल, डी साथी पोर्टल। आंसर बी सारथी पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, सी शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। आंसर डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना।
एक्सप्लेनेशन आदि महोत्सव 2024 एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये 10 से 18 फरवरी 2024 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न, कौन भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? ए. नरेंद्र मोदी, बी. चौधरी चरण सिंह, सी. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डी. पीवी नरसिम्हा राव। आंसर बी. चौधरी चरण सिंह। एक्सप्लेनेशन, चौधरी चरण सिंह भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और पांचवें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे। हाल में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ए. स्मृति ईरानी, बी. चौधरी चरण सिंह, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. पीयूष गोयल। आंसर सी. धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एचसीएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत नवोदय विद्यालय के उन छात्रों को मदद मिलेगी जो गरीब परिवार से आते हैं तथा जिन्होंने आईआईटी तथा एनआईटी संस्थानों में दाखिला पाने में सफल हुए हैं। पहली बार में इस छात्रवृत्ति के तहत जवाहर नवोदय स्कूलों के 70 छात्र छात्राओं को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? ए. पीवी नरसिम्हा राव, बी. इंद्र कुमार गुजराल, सी. मनमोहन सिंह, डी. चौधरी चरण सिंह। आंसर ए. पीवी नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार हुआ था। सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। हाल में पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? ए. एतिहाद एयरवेज, बी. सैमसंग, सी. टाटा ग्रुप, डी. कतर एयरवेज। आंसर ए. एतिहाद एयरवेज। एक्सप्लेनेशन, चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। CSK के आयोजनों, प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ए. 319, बी. 419, सी. 519, डी. 619। आंसर सी. 519। एक्सप्लेनेशन, क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना RCS पूरे देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. अगरतला, बी. पटना, सी. जयपुर, डी. लखनऊ। आंसर ए. अगरतला। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. टेस्ला, बी. मेटा, सी. गूगल, डी. माइक्रोसॉफ्ट। आंसर सी. गूगल। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न, भारत के साथ सैफ विमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका, डी. पाकिस्तान। आंसर बी. बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया।
मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय क्या है? ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली, बी स्थायी भविष्य के लिए दालें, सी स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दालें, डी लव पुल्स। आंसर, ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली। एक्सप्लेनेशन, दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली, बी इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, सी प्रगति मैदान, नई दिल्ली, डी त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। आंसर, सी प्रगति मैदान, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले का विषय बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा है। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। अगला प्रश्न, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बी एसेंशियल प्रोविडेंट फंड ऑब्लिगेशन, सी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, डी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। आंसर, ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लाभदायक निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के तहत लोगों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? ए लुका नार्दी, बी प्रजनेश गुणेश्वरन, सी रोजर फेडरर, डी सुमित नागल। आंसर, डी सुमित नागल। एक्सप्लेनेशन, सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल जीता, जो उनका 5वां चैलेंजर खिताब था। नागल ने फाइनल में इटली के लुका नार्दी को 6-1 और 6-4 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की। अगला प्रश्न, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर, बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? ए विशाखापत्तनम, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। आंसर, डी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? ए अवैध आप्रवासन, बी नशीली दवाओं की तस्करी, सी आतंकवाद, डी जासूसी। आंसर, डी जासूसी। एक्सप्लेनेशन, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 से हिरासत में रखा गया था। अगला प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एस जयशंकर, डी नरेंद्र मोदी। आंसर, डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर, बी 12 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर सी 13 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए फीफा, बी रिलायंस फाउंडेशन, सी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए फीफा। एक्सप्लेनेशन, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1,260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था।